मेरा कंगन झनझन चूड़ी खनखन करती है, ये गाना तो आपको याद ही होगा। 2000 में ये गीत सबसे लोकप्रिय गानों में से एक था और लोगों ने इसे खूब पसंद किया। इसे रंभा पर फिल्माया गया था जिसमें उनके साथ सुनील शेट्टी थे। हालांकि जब ये जोड़ी फिल्मों में पूरी तरह गायब है, रंभा ने आ उकाटी अकाडू से अपना करियर शुरू किया और इसके बाद उन्होंने दर्जने तमिल तेलुगु फिल्मों में काम किया। साल 1995 में जल्लाद से उन्होंने हिंदी सिनेमा में अपने करियर की शुरुआत की और इसमें उनके हीरो मिथुन चक्रवर्ती थे, लेकिन उनकी पहली फिल्म ही फ्लॉप गई। अभिनेत्री ने जल्लाद के बाद कहर, जंग, जुड़वा, दानवीर, जुर्माना जैसी कई फिल्मों में काम किया, लेकिन वे दर्शकों के ज्यादा इम्प्रेस नहीं कर सके। रंभा जुड़वा से सलमान खान संग दिखी और इसकी कहानी को लोग आज भी पसंद करते हैं। रंभा ने गोविंदा संग क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता और बेटी नंबर 1 में काम किया, जो कि सुपरहिट फिल्म साबित हुई। उन्होंने सलमान खान, गोविंदा के अलावा अनिल कपूर, सुनील शेट्टी और अक्षय कुमार के साथ भी फिल्मों में काम किया है। रंभा ने अपने करियर में दर्जनों फ्लॉप फिल्में दी और फिर शादी के बाद एक्ट्रेस ने फिल्मों से दूरी बना ली। अभिनेत्री ने 2010 में श्रीलंकन बेस्ड बिजनेसमैन इंद्रन पद्मनाथन से शादी की थी और फिर वे टोरंटो में बस गई। इसके बाद उनका करियर पूरी तरह बर्बाद हुआ। इसी साल वे पेन सिंघम में कैमियो रोल में दिखी थी और इसके बाद दोबारा कभी पर्दे पर नजर नहीं आई। सलमान खान संग बंधन और जुड़वा फिल्म में काम कर चुकी रंभा शादी के कुछ साल बाद 2016 में गलत वजहों से चर्चा का विषय बनी। उस वक्त खबरें थी कि एक्ट्रेस अपने पति से तलाक लेने की फिराक में है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें चेन्नई के फैमिली कोर्ट में देखा गया था। हालांकि एक्ट्रेस ने बाद में अपने तलाक की खबरों को खारिज करते हुए कहा था कि वे अपने पति और परिवार के साथ खुश हैं। फिलहाल एक्ट्रेस फिल्मी दुनिया से दूर अपने परिवार के साथ खुश हैं और अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ की झलकियाँ सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं। रंभा आज भी 3 बच्चे की माँ हैं और वो अपने परिवार के साथ विदेश में रहती हैं। भले ही वो फिल्मों से दूर हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर वो काफी एक्टिव रहती हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि एक्ट्रेस की आत्महत्या की खबरों ने खूब जोर पकड़ा था, लेकिन फिर उन खबरों को एक्ट्रेस ने अफवाह करार कर दिया। सलमान खान जहाँ 57 साल में सिंगल हैं और उनकी जुड़वा की को एक्ट्रेस रंभा 3 बच्चों की माँ है।